पापा जीत गए ना बर्फी खिलाऊंगा। मम्मी आपके पास सुपर पावर है एक दूसरे हाथ की। ये माइक है जो मैंने मंगवाया था, इसके अंदर निकाल के दिखाता हूँ मैं कैसा है कैसा नहीं। कैसा लगा पापा? आगे स्वाद है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी बज चुके हैं सुबह के 4 एंड मैं आज 4 बजे उठ गया। पता है 4 बजे क्यों उठ गया? घर वालों ने बोला था कि भाई अपने को ना उठ के ना सफाई करनी है घर की, ठीक है, और मम्मी ने अभी जबरदस्ती उठा लिया मेरे को क्योंकि दीपावली आने वाली है। बट कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अब मैं घर जब भी उठ के देखा ना, मतलब उठ के देखा तो भाई मेरे को एक बड़ा सरप्राइज मिला है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ सरप्राइज क्या है। फिलहाल तो मम्मी का चेहरा देख लो मेरे पास उठा के, मेरे को मतलब सुबह पहले उठा के और चुपचाप बैठ गई इधर मेरे बेड पे ही। तो फिलहाल देखो सरप्राइज दिखाता हूँ भाई क्या मिला है। सुबह पहले 4 बजे पूरी रात क्या कर रहे थे आप लोग? दिखाता हूँ आप लोगों को। यार देखो मैं अभी आ चुका हूँ घर से बाहर। देखो चारों तरफ अभी अंधेरा है क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी अंधेरा है, सब सोए होंगे, पर मेरे घर वाले जगे हैं। और पता है क्या सरप्राइज दिया आज घर वालों ने? ये देखो भाई, ये मेरा घर है और घर वालों ने किससे सजा रखा है, देखो कितना मस्त सजा रखा है भाई। और अंदर चल के देखते हैं। मैं तो सो रहा था, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो लगा था कि सुबह उठ के ना, ओ भाई क्या था वो सीटीआर फूट जाता है। देखो पूरे घर में गुब्बारे लगाए हैं। पता है बर्थडे किसी का नहीं है, बर्थडे किसी का नहीं है, बट पूरे घर को ना एकदम दीपावली जैसा सजा दिया घर वालों ने। यार कितना मस्त लग रहा है ना। बाकी मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है तब से, बट यार ये देखो सरप्राइज, एकदम सरप्राइज मिला है। और पता है इसके अंदर क्या है, आप लोग गेस करो क्या होगा। इसके अंदर है मंदिर, तो मैं मंदिर में चलता हूँ, मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को। और भाई मंदिर को भी कितने अच्छे से सजा रखा है। देखो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो पूरे मंदिर को कितने अच्छे से सजा रखा है। तो भाई एक बार बताऊँ, सीरियसली मैं सो रहा था एंड मैं जब उठ के देखा ना बाहर आया, तो एक बार तो आँख ऐसे करने लग गए, ये क्या है, मेरा घर है ना ये, कहीं दूसरे सपने में तो नहीं हूँ मैं, कहीं घूम रहा हूँ भाई, स्वर्ग में घूम रहा हूँ, ये अप्सरा वगैरह देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बट यार रियल में ऐसा कुछ कर रखा है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, पापा मम्मी से बात करते हैं। हाँ मम्मी सरप्राइज है, मम्मी फिर आपने सुलाया था, मैं क्या करूँ, बोल दिया सो जा जाके, पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो भाई अभी है ना पापा मम्मी के बीच में सर्च लगी है कि ना पंजे में कौन हराता है किसको, ठीक है, हराने वाले को मैं इनाम दूंगा, ठीक है, प्राइज बेटा देगा इनका। पापा मम्मी के बीच में मतलब कि पंजे की वाली होने वाली है। रेडी दोनों से रेडी? तो ठीक है चलो चलो। हाँ दोनों हाथ का यूज नहीं करना मम्मी, आपके लिए डिस्काउंट, एक रूल निकाला है मैंने। अच्छा, तो ले जाओ। दोनों हाथ यूज कर सकते हो पापा, एक ही हाथ यूज करोगे, ठीक है मम्मी, दोनों ठीक है, ठीक है, फिर भी हार गए तो देखो इज्जत खराब जाएगी आपके बेटे की। पापा आप भी हार गए तो इज्जत खराब जाएगी बेटे की, मतलब ये कोई भी हारेगा इज्जत मेरी खराब होगी। अच्छा ऑफर बोलना। ऑफर ठीक है चलो स्टार्ट करो। मम्मी अगर जीत गए ना तो कलाकंद खिलाऊंगा। पापा जीत गए ना बर्फी खिलाऊंगा। मम्मी आपके पास सुपर पावर है एक दूसरे हाथ की। पापा जीत गए ना तो मोबाइल ला के दूंगा। सुपर पावर यूज कर ली। मम्मी अगर जीत गए ना तो ना रसगुल्ले खिलाऊंगा दीपावली के ऊपर। पापा पापा जीत गए ना तो एक नई बाइक लेके आऊंगा आपके लिए, पक्का पक्का, एक नई बाइक दीपावली पे, नई बाइक कैसा रहेगा। मम्मी जीत गई ना तो एक वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा। वॉशिंग मशीन के लिए कुछ भी। एक चीज देखिए आपने, कुछ भी ला दो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वॉशिंग मशीन चाहिए इनको। ऐसा क्यों, वॉशिंग मशीन क्यों चाहिए? मेरे को बहुत दर्द होता है हाथों में जब कपड़े धोती हूं। ये हाथों ने बलिदान दिया है मम्मी के ने कि भाई अगर आज काम कर लिया तो वॉशिंग मशीन आ जाएगी, कभी काम नहीं करना पड़ेगा। तो मम्मी आपकी वॉशिंग मशीन मैं जल्दी ला के दूंगा, ठीक है, अगले साल तक ला दूंगा। ना ना अभी तो ये मत दो। पापा बोल रहे हैं सब लोग के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। ले कैसा लगा पापा? आगे स्वाद है। मम्मी बोल रही है कि ना एक बार तू लड़ा, बोल पापा को हरा के ना शेर समझ रही है मम्मी खुद को। अब यहाँ पर ना एक ही ऑफर रहेगा क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ, तो आप लोग आप ना दो हाथ यूज नहीं कर सकती, ठीक है? अच्छा मम्मी छोटा हूँ यार, छोटा कितना बड़ा था तू, चलो कर लेना, देखते हैं गाइस यार इज्जत बचा लेना आपकी भाई की। बट एक दो स्टार्ट। मम्मी मैं जीत गया ना तो वॉशिंग मशीन दिलाऊंगा। अच्छा मैं जीत गया ना तो
एक वॉशिंग मशीन, एक मैं टीवी तो लाई थी आपको मैं, तो मैं जीत गया ना, तो आपको वॉशिंग मशीन दिलाऊंगा ठीक है। जान पूछ के हार गई। ये सही गाइस ब्लैकमेलिंग का। पता मैं क्यों आ रही? हाँ क्योंकि मैनू आ रही। हाँ क्यों आ रही? तेरी जीत में मेरी खुशी से। ओ माय गॉड, मेरी मम्मी तेरी जीत मेरी खुशी से। तो फिलहाल मैं नींद आ रही, मैं सो जाऊं। हाँ सो गो, तो काम ना करो तू ना। गाइस अभी है ना, अभी बच चुके हैं भाई 4:30 के लगभग हो चुके हैं। हम लोग पागलपंती कर रहे थे, तो अब 4:30 बजे हैं और 2 घंटे सो लेता हूँ। 6-7 ना सोना ना दूंगी बिल्कुल भी। नहीं मैं भूख लग, वैसा काम करूंगा। नींद लगी है मम्मी, वैसा काम मत बोलना। कहा नहीं नहीं मैं नहीं करता वैसा। मैं गोबर तो उठाते नहीं बिल्कुल ही। कुछ तो करेगा, गोबर तो मैं थेपता नहीं। तो भाई मिलते हैं बाद में, अभी दो दिन होने के बाद मिलते हैं, अभी सो जाते हैं, गुड नाइट। तो भाई यार फिलहाल दिन हो चुका है और मैं उठ गया था पहले, बट मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहा धोके ना एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मम्मी है ना वहाँ पर सफाई लग रही है, मतलब सफाई कर रही है, और मैं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था। और पता है यार आज क्या हुआ, सुबह उठते देखा ना मैंने, तो गीतान से जब उठी ना तो क्या कर दिया पता है, ये कर दिया, उठते ही साफ कर दिया इन गुब्बारे को, नीचे से जो भी गुब्बारे थे ना वो बिल्कुल साफ कर दिया। मैंने गीतान से के पास लेके चलता हूँ आपको, देखो इसको, देखो देखो सारे गुब्बारे तोड़ के लास्ट गुब्बारा हाथ में लेके घूम रही है। कहाँ से तोड़ के लेके आया, कौन से दिखा दिखाई, कहाँ से लेके आया था, वहाँ से कौन लगा गया था? इसको नहीं पता, सुबह मिले तो गुब्बारे तोड़ने लग गए तुरंत। कोई बात नहीं, खेल ले, कुछ नहीं कहूँगा। छोटी जीजी है मेरी, एक ही तो जीजी है। अभी तो है ना और सफाई करना है, जो डेकोरेशन है ना वो तो पापा मम्मी ने बुलवा के करवा दिया था किसी को, और अभी और ज़्यादा सफाई करवाना है। बाकी यार मैं भी है ना अपनी बाइक को धुलवाऊंगा अच्छे से और एकदम माला वगैरह लगा के और फिर चमका दूंगा भाई, मेरे तो यही तो है सब कुछ। बाकी यार देखो अभी पेड़ वगैरह भी एकदम सही हो चुके हैं, और फालतू की मतलब जो पेड़ थे ना उनको निकाल के फेंक दिए। बाकी देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, ये पपीता का पेड़ सिर्फ लग रहा है, यहाँ पर पपीता नहीं लगती, इसके पपीता पेड़ है पर पपीता लगती नहीं है इसके। और बाकी खेत भी साफ कर दिए पूरे, देखो इस खेत में ना जब से मेरे को सांप दिखा था ना उस दिन, उसके बाद से सांप दिखने के बाद से मैंने पापा को बोल दिया पापा सांप घूमता है इधर, तो पापा ने ये जेसीबी बुलवा के सारा जो भी पत्थर वगैरह थे सब साफ करवा दिए यहाँ पर। अब इसको ना ट्रैक्टर बुलवा के बिल्कुल साफ करवा देंगे, जो पेड़ वगैरह है ना मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे से काट देंगे इनको, और बाकी जो भी फालतू का पड़ रहा है ना जो ये लकड़ी वगैरह पड़ी है इनको भी साफ करवा देंगे, क्योंकि यार सांप वगैरह खतरा होता है, और रात में और दिन में हम लोग घूमते हैं इधर तो क्या पता सांप आ जाए खा जाए। गीतान से भी बहुत बार घूमती है इधर से ही। और यार देखो ये है ना भैंस के लिए चारा मंगवाया है, माइक मंगवाया था जो वायरलेस माइक होते हैं ना जो यहाँ पर लगाते हैं, एक फ़ोन के लगा लेंगे और उसके बाद वायरलेस होते हैं बिना वायर के, वो माइक मंगवाए थे मैंने। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने मंगवाया, कैसा है, कितना सही है ठीक है। और मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो है ना उसी से शूट कर रहा हूँ, अपने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह वीडियो है ना उसी से शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। चलो रूम का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है फिलहाल, पर साफ करना पड़ेगा पूरा रूम फिर से, क्योंकि यार मैंने मेरा रूम के हाथ भी नहीं लगाया साफ करने के लिए। बेड वगैरह के इतना बुरा हाल हो गया, मत देखो यार तुम लोग ये बेड तो। बाकी यार ये माइक है जो मैंने मंगवाया था, इसके अंदर निकाल के दिखाता हूँ मैं कैसा है कैसा नहीं। इसके अंदर अपन खोल के देखेंगे ना, ये खोल के देखेंगे तो इसके अंदर क्या निकलता है दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे खुल जा, एक हाथ में फोन चला रहा हूँ और एक हाथ में ये खोल रहा हूँ। ये माइक यार बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छे से काम लेता है, आता है मतलब वीडियो वगैरह बनाने में, दूर से मैं कर सकता हूँ उससे। देखो ये वाला तो मैं कॉलर में लगा लूँगा ठीक है, और जो इसके अंदर है ना ये मैं लगा लूँगा अपने फ़ोन में। अब पता है यार एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तो ये है जिसमें सी टाइप केबल है, और जो आईफोन होता है ना आईफोन, तो आईफोन के लिए भाई ये वाला है, ये आईफोन में ये कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ कनेक्ट करके फिर दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ आती है इसमें। फिलहाल है ना मैं ना ये वाला क्लिप है ना मैं इससे शूट कर रहा हूँ, और आप लोग देख रहे होगी वॉइस क्वालिटी कितनी सही आ रही है। देखो ये यहाँ पर लगा है और एक वो कनेक्टर था ना वो वहाँ पर लगा है ठीक है। और अभी खेत में पता है ट्रैक्टर आ चुका है गीतांशी, ट्रैक्टर को क्या है वो पता है यार, पहले गीतांशी छोटी थी ना ट्रैक्टर से बहुत डर लगता था इसको, ट्रैक्टर को देखते ही भाग जाते थे, रूम में लुक जाते थे। देखो कैसे जा रही है अब गीतांशी, चले ट्रैक्टर के पास, अभी नहीं जा रही है। तो भाई ये जो ट्रैक्टर आया ना खेत में जो एक चारा वगैरह था भैंसों के लिए उनको निकालने के लिए आया, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चारा कैसे निकालते हैं। फिलहाल है ना जो चारा था ना वो निकल चुका है और ट्रैक्टर बंद हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उस ट्रैक्टर की। और सामने आपको ट्रैक्टर दिख रहा होगा ना वो मशीन है, देखो चारा निकालने वाली, इससे चारा निकलता है।
और यहाँ पर जितना भी चारा पड़ा था अभी थोड़ी देर पहले वो सारा साफ हो चुका है, और ये चारा यहाँ पर ये मतलब ये इकट्ठा हो गया जगह, और ये अब ये भैंस वगैरह ना इनके लिए काम आएगा। तो भाई भैंसों के लिए कितना कुछ करना पड़ता है यार। तो भाई अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट में ना मेरे को ना लैपटॉप में नई विंडो डलवानी है, और यार इसमें विंडो 10 है तो मेरे को डलवानी है विंडो 11। तो देखते हैं कैसी कैसे क्या डलता है और कैसा बेटर चलता है लैपटॉप। फिलहाल भाई रेडी है मेरी बाइक, जा रहा हूँ मैं। मम्मी क्या लेके आऊँ? ठीक है गीतांशी क्या लेके आऊँ? इसके यार बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। गीतांशी किचन में मत डोल, ये पता ये पानी है ना ये निकल के आ रहा है टंकी में से, टंकी भर रही है ना यहाँ पर देखो अभी टंकी भर रही है तो उसमें निकल के आ रहा है। चलो चलता हूँ मैं, ठीक है मम्मी, ओके बाय। तो भाई यार फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने घर पे वापस मार्केट से, क्योंकि यार जो मेरा आईफोन है ना यार वहाँ पर जाते ही स्विच ऑफ हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया आगे। बट अपना जो लैपटॉप है ना भाई एकदम मक्खन की तरह हो गया है फिलहाल के। देखो मैंने विंडो डलवा ले इसमें, बाकी विंडो डलवाने के बाद भाई इतना अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। देखो फिलहाल हो चुकी है रात, रात के बज चुके हैं 10:30, और भाई मम्मी यहाँ पर खाना खा रही है चुपचाप। मैं खा चुका और मम्मी खा रही है, और पता है मम्मी है ना खाना बनाती है चूल्हे से ही, आज चूल्हे बनाई है। तो बाहर मम्मी एक टोई आया है उसको खाना देना है, रोटी है। तो भाई पता है एक डॉग है वो हमेशा हमारे घर पे आता है और शाम को हमेशा आके बैठ जाता है। ये रोटी है देखो ये बैठा चुपचाप वेट कर रहा है कब कौन खाने देगा। देख ये रोटी खाएगा, आजा मैं खड़ा हो ले। ले देखो ये ले जा आराम खा ले। यार पता है पालतू नहीं है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है यार कुत्तों के, मतलब कि जो होते हैं ना एकदम वफादार होते हैं, चाहे अपने नहीं होंगे बट यार एक बात बताता हूँ, रोटी दे दो आप उनको, सही बता रहा हूँ आप लोगों के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है, अभी सोने जा रहा हूँ मैं। आई होप कि आप लोगों को ना ये फैमिली ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर फैमिली ब्लॉग अच्छा लगा है तो भाई कमेंट कर देना और बताना कि भाई फैमिली ब्लॉग लाया जाए या और कैसे ब्लॉग लाया जाए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो भाई अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाय बाय, टेक।